वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। भाइयों और बहनों, आज देश में आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो छोटे किसानों की सूद ले रही है। पहली बार 2 हेक्टर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से, सरकारी सुविधा से जोड़ा गया है। बीज से लेकर बाजार तक, खेत से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के हजारों करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों की तरफ भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे विकल्प जिसमें बहुत बड़ी जमीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इसका मार्ग दिखाया जा रहा है। इसी सोच के साथ पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो या फिर मछली पालन, इनके लिए राष्ट्रीय स्तर नई योजनाएं शुरू की गई है। आज भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में अग्रणी है ही, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, आज हम शहद, हनीम, मधु, आज हम शहद निर्यातक के रूप में भी विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से बीते 7 वर्षों में शहद का निर्यात बढ़कर करीब करीब 2 गुना हो गया है और इससे किसानों की 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। भाइयों और बहनों, किसान की आय बढ़ाने का एक और विकल्प बायोफ्यूल भी है। हम खाड़ी का तेल से चलाते थे, अब हम झाड़ी का तेल भी लेकर के आ रहे हैं। बायोफ्यूल की अनेक फैक्ट्रियां यूपी में बनाई जा रही हैं। बदायूं और गोरखपुर में बायोफ्यूल के बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। यहां पास में गोंडा में भी इथेनॉल का एक बड़ा प्लांट बन रहा है। इसका लाभ इस क्षेत्र के बहुत से किसानों को होगा। गन्ने से इथेनॉल बनाने के अभियान में भी यूपी अग्रणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। बीते 4.5 साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। योगी जी की सरकार जब से आई है, तब से गन्ने के भुगतान में भी बहुत तेजी आई है। एक समय 2017 से पहले का भी था जब गन्ना किसान सालों साल बकाया मिलने के लिए इंतजार करते थे। पिछली सरकारों के दौरान जहां 20 से अधिक चीनी मिलों में ताला लग गया, वहीं योगी जी की सरकार ने इतनी ही चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। मैं आज बलरामपुर से देश भर के किसानों को एक विशेष निमंत्रण भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश भर के किसान मेरे इस निमंत्रण का स्वीकार करें और मेरे साथ जुड़े। मेरा निमंत्रण किस बात का है? इसी महीने
पांच दिन के बाद 16 तारीख को, 16 दिसंबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है कि आप 16 दिसंबर को टीवी के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। आप सारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। यह आपको बहुत लाभकारी होने वाला है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।